हाय एवरीवन, माय नेम इज़ आलोक एंड वेलकम टू एम्पलीफाई लर्निंग। सो आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 11 फिजिक्स के चैप्टर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पर बेस्ड एक क्वेश्चन। सो द क्वेश्चन इज द सेकेंड हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 2 सेंटीमीटर लॉन्ग। सो बेसिकली हमें यहाँ पे गिवन है दैट एक क्लॉक है जिसका एक सेकेंड हैंड है जो कि 2 सेंटीमीटर लॉन्ग है। तो हमें यहाँ पे इतनी डिटेल दी हुई है एंड अब इसके बेसिस पे हमें क्या कैलकुलेट करना है। सो फर्स्ट पार्ट इज कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द टिप ऑफ द हैंड। सो हमें इस सेकेंड हैंड के टिप, मतलब इस सेकेंड हैंड का जो एकदम टॉप पॉइंट होगा, इस पॉइंट का स्पीड निकालना है। ठीक है, तो देखते हैं कैसे आएगा ये। सो फर्स्ट पार्ट इज वी हैव टू कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द टिप ऑफ दिस हैंड। सो स्पीड का फॉर्मूला आप सबने पढ़ रखा होगा दैट स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। एंड हम इसी फॉर्मूले का यूज़ करके इस पॉइंट का या इस टिप का डिस्टेंस निकालने वाले हैं। सो आप सोच के देखो, यहाँ पे हमें कुछ नहीं दिया है, बस हमें इतना दिया है कि एक घड़ी है, उसका सेकेंड हैंड है एंड वो 2 सेंटीमीटर लॉन्ग है। सो यहाँ पे हमें और कोई डिटेल नहीं दी है। सो अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा अपने दिमाग का यूज़ करना पड़ेगा। कैसे? सो यहाँ पे देखो, जब सेकंड की सुई चक्कर लगाती है घड़ी का, तो कितने टाइम में वो पूरे घड़ी का एक चक्कर कंप्लीट करती है? इन 60 सेकेंड्स, 60 सेकेंड में सेकंड की सुई पूरी घड़ी का चक्कर लगा लेती है। सो एक चक्कर में ये कितना डिस्टेंस ट्रैवल करती है? अब डिस्टेंस ये कितना ट्रैवल करती होगी, पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक। तो बेसिकली इस सेकेंड की सुई ने पूरा पूरा सर्कमफ्रेंस नहीं ट्रैवल कर लिया, तो घड़ी का जो सर्कमफ्रेंस होगा वही डिस्टेंस होगा पूरे एक चक्कर में जो इसने ट्रैवल किया होगा। सो वी कैन से दैट द डिस्टेंस कवर्ड बाय द टिप ऑफ दिस हैंड विल बी इक्वल टू 2πr, दैट इज द सर्कमफ्रेंस ऑफ दिस क्लॉक। सो बेसिकली जो इस क्लॉक का सर्कमफ्रेंस होगा वही डिस्टेंस इस टिप ने ट्रैवल किया होगा एक पूरे चक्कर में। सो देखो, डिस्टेंस हो गया 2πr एंड टाइम हमारा हो गया 60 सेकेंड्स। तो यहाँ पे आप R का वैल्यू रख दो। R क्या होता है? रेडियस। सो जितना भी सेकेंड हैंड की लेंथ है वही हमारा क्या हो जाएगा? रेडियस। सो यहाँ पे आ जाएगा 2π मल्टीप्लाई बाय 2। अब ध्यान रखना कि ये 2 सेंटीमीटर में है, तो हमारी स्पीड भी सेंटीमीटर पर सेकेंड में आएगी। सो ये हो जाएगा 2π इंटू 2 डिवाइड बाय 60। सो आप इसको दो बार कट कर दो 60 से, तो ये आ जाएगा पाई बाय 15। अब पाई बाय 15 का वैल्यू आप कैलकुलेटर से निकाल लो, तो ये आ जाएगा 0.21 एंड सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब ये सेंटीमीटर पर सेकेंड में इसलिए आया बिकॉज हमारा जो रेडियस है वो सेंटीमीटर्स में है। अगर ये मीटर में होता तो ये मीटर पर सेकेंड में आता। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट हमारा ऐसे आ जाएगा। देन नेक्स्ट पार्ट में हमसे पूछा गया है द वेलोसिटी एट 0.00 सेकेंड। मीन्स जब ये सेकेंड का हैंड 0 सेकेंड पे होगा, मीन्स यहाँ पे ही होगा, उस समय इसका वेलोसिटी कितना होगा? तो सोच के देखो, जो इसका स्पीड है वही इसका वेलोसिटी होगा। लेकिन अब वेलोसिटी के केस में हमें इसका डायरेक्शन भी मेंशन करना होगा। तो जिस समय ये सेकंड का हैंड 0 सेकंड पे होगा, मतलब 0 सेकंड पोजीशन पे होगा, तब उस समय इसका वेलोसिटी किधर की तरफ पॉइंट करेगा? टुवर्ड्स राइट। सो सेकंड पार्ट का आंसर क्या हो जाएगा हमारा? द वेलोसिटी एट 0 सेकंड। तो 0 सेकंड पे मीन्स एट 0 सेकंड वेलोसिटी विल बी 0.21 सेंटीमीटर पर सेकेंड। सो अब क्योंकि हमें यहाँ पे वेलोसिटी बताना था, तो वेलोसिटी में हमें डायरेक्शन भी मेंशन करना होगा। सो इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा 0 सेकंड पे? आपको दिख रहा है कि वेलोसिटी राइट की तरफ जा रही है। सो वी विल राइट टुवर्ड्स राइट, एंड चाहे तो आप ब्रैकेट में मेंशन कर सकते हो हॉरिजॉन्टली, मींस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में राइट की तरफ। ठीक है, तो ये हो जाएगा 0 सेकंड पे इसका वेलोसिटी। अब सेकंड पार्ट में और भी पूछा गया है एंड एट 15 सेकेंड। मीन्स जब ये सेकेंड की सुई 15 सेकेंड वाले पोजीशन पे आएगी, 15 सेकेंड कहाँ पे होते हैं? इस जगह पे। तो जब ये सेकेंड की सुई 15 सेकेंड वाले पोजीशन पे आएगी, उस समय इसका वेलोसिटी कहाँ होगा? देखो, सेकेंड की सुई इस समय डाउनवर्ड की तरफ वेलोसिटी पॉइंट करेगी। ठीक है, आप सोच के देखो, सेकेंड की सुई ऐसे ऐसे जा रही है और जब वो 15 सेकेंड पे आएगी, तब उस समय उसका वेलोसिटी किधर की तरफ पॉइंट कर रहा होगा? डाउनवर्ड्स। तो ये हो जाएगा v2। सो वी विल राइट एट 15 सेकेंड वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड सेम रहने वाला है पूरे चक्कर में, तो 0.21 सेंटीमीटर पर सेकेंड, दिस विल बी द वेलोसिटी। बट अब यहाँ पे डायरेक्शन चेंज हो चुका होगा वेलोसिटी का। सो यहाँ पे डायरेक्शन क्या हो जाएगा? वर्टिकली डाउनवर्ड्स। सो दिस विल बी द डायरेक्शन। सो 0 सेकेंड पे वेलोसिटी कितना होगा? 0.21 सेंटीमीटर पर सेकेंड, बट टुवर्ड्स राइट। एंड 15 सेकेंड पे वेलोसिटी क्या होगा? वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा 0.21 सेंटीमीटर पर सेकेंड, बट अब वेलोसिटी किधर की तरफ होगा? वर्टिकली
डाउनवर्ड्स। सो अभी थर्ड पार्ट देखते हैं। सो थर्ड पार्ट में हमसे पूछा गया है द चेंज इन वेलोसिटी फ्रॉम 0 सेकेंड टू 15 सेकेंड। तो वेलोसिटी में 0 सेकेंड से 15 सेकेंड तक चेंज क्या आया, तो इसको हम कैसे निकालेंगे। देखो जब 0 सेकेंड पे वेलोसिटी था, 0 सेकेंड पे वेलोसिटी कुछ ऐसे था, ये था v1 एंड 15 सेकेंड तक आते आते वेलोसिटी किस साइड हो गया, वेलोसिटी हो गया डाउनवर्ड्स। तो इनिशियली वेलोसिटी किधर था, राइट की तरफ, बट अब फाइनल वेलोसिटी किधर है, डाउनवर्ड्स। दोनों का वैल्यू भले ही सेम है बट दोनों का डायरेक्शन जो है चेंज हो गया है। सो चेंज इन वेलोसिटी हम कैसे निकालेंगे, आप पहले v1 वेक्टर बनाओ, फिर उसके बाद v2 वेक्टर बनाओ एंड देन स्टार्टिंग से एक रिजल्टेंट वेक्टर ऐसे ड्रॉ कर दो। सो यही जो रिजल्टेंट वेक्टर आपका होगा, यही क्या हो जाएगा, चेंज इन देयर वेलोसिटी। सो इसको हम कैसे निकाल सकते हैं, देखो सो रिजल्टेंट निकालने का एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है दैट आर इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ v1 स्क्वायर प्लस अंडर रूट ऑफ v2 स्क्वायर। सो दिस विल बी इक्वल टू अंडर रूट v1 का वैल्यू कितना है, 0.21 का स्क्वायर प्लस 0.21 का स्क्वायर, दोनों का वैल्यू सेम ही है। सो आप इसका वैल्यू कैलकुलेटर से निकाल सकते हो। सो दिस विल बी इक्वल टू 0.29 और इसको आप राउंड ऑफ कर लो तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो दिस विल बी इक्वल टू 0.3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। सो ये आ जाएगा हमारा चेंज इन वेलोसिटी। सो चेंज इन वेलोसिटी आपने निकाल तो लिया, बट चेंज इन वेलोसिटी किस डायरेक्शन में है आपको डायरेक्शन भी बताना पड़ेगा। सो चेंज इन वेलोसिटी जो है, ये रिजल्टेंट वेक्टर जो है, ये किधर आ रहा है, जो चेंज है क्योंकि v1 और v2 का वैल्यू सेम है, ठीक है, तो इनका जो रिजल्टेंट होगा वो 45 डिग्री पे जाएगा। जब v1 और v2 का मैग्नीट्यूड सेम होता है तब हमारा रिजल्टेंट 45 डिग्री पे जाता है। सो यहाँ से भी ये 45 होगा एंड अगर हम एक यहाँ पे लाइन खींच दें वर्टिकली, सो ये भी एंगल कितना हो जाएगा, 45 डिग्री। सो वी विल से दैट द चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी इज 0.3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, कितने एंगल पे, डाउनवर्ड्स एट 45 डिग्री। सो चेंज इन वेलोसिटी कितना होगा, चेंज इन वेलोसिटी आया, मैग्नीट्यूड आ गया उसका 0.3 सेंटीमीटर पर सेकेंड एंड कितने एंगल पे, एट 45 डिग्री डाउनवर्ड्स, ठीक है, 45 डिग्री डाउनवर्ड्स की तरफ फ्रॉम लेफ्ट। आप यहाँ पे भी मेंशन कर सकते हो दैट फ्रॉम लेफ्ट, तो डाउनवर्ड्स की तरफ है चेंज एंड 45 डिग्री फ्रॉम द लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड से 45 डिग्री पे डाउनवर्ड्स की तरफ आपका चेंज इन वेलोसिटी आ रहा है। देन लास्ट पार्ट देखते हैं अभी। लास्ट पार्ट में हमें निकालना है एवरेज एक्सेलरेशन। सो एक्सेलरेशन बेसिकली क्या होता है, एक्सेलरेशन इज द चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। सो एवरेज एक्सेलरेशन या एक्सेलरेशन ऐसे निकाल लोगे आप, वी विल से एवरेज एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी मींस डेल्टा वी, जो कि हमने यहाँ निकाला था, अपॉन टाइम, कितने टाइम में वो चेंज टेक प्लेस कर रहा है। सो यहाँ पे चेंज इन वेलोसिटी तो हम निकाल चुके हैं दैट इज 0.3 सेंटीमीटर पर सेकेंड एंड ये चेंज कितने टाइम में आया होगा, सेकेंड की सुई को 15 सेकेंड लगे होंगे यहाँ से आने में, सो टाइम कितना हो जाएगा यहाँ पे, 15 सेकेंड्स। सो इसको आप कैलकुलेट कर लो, ये आ जाएगा 0.02 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सेकेंड एक और यहाँ नीचे आ गया तो सेकेंड स्क्वायर। सो दिस विल बी द एवरेज एक्सेलरेशन ऑफ द सेकेंड हैंड। सो कुछ इस तरह करेंगे हम इस क्वेश्चन को। आई होप आपको ये सारे पार्ट्स अच्छे समझ में आए होंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज़ से लाइक कर देना और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको आगे भी ऐसे और वीडियोस मिलते रहें। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।